dear students, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. Today I am going to start to teach you your chapter 5th topic, word problems. On two digit numbers addition. अभी तक आप लोगों ने क्या किया था, आपके जो टू डिजिट के जो एडिशंस थे वो नॉर्मली आपको गिवन होते हैं और आप लोग उससे अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लेते हो। लेकिन अब आपके पास में क्या आने वाला है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। इट मीन आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको वर्ड्स में गिवन होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको रीड करके ये समझना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी सबट्रैक्शन की होती है, मल्टीप्लीकेशन की भी हो सकती है, डिवीजन की भी हो सकती है। लेकिन अभी आपके पास में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स ऑन एडिशन। एडिशन के जो टू डिजिट के नंबर हैं, फिर आपके पास में थ्री डिजिट के नंबर के लिए भी आएगा, तो हम पहले यहाँ पे टू डिजिट के नंबर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ वर्ड्स को समझना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में अगर कहीं पर, मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स राइट करवा रही हूँ यहाँ पे, कहीं पर आपके पास में कुछ ऐसा दे दे कि आपको बहुत सारी चीजें गिवन हो। लाइक हमारे पास में हमने 2 kg मैंगो खरीदे, 2 kg एप्पल एंड 2 kg बनाना, तो सारे हमने 2 kg खरीदे, तो हमसे पूछ रहे कि हमने टोटल वेट कितना खरीदा है। इट मीन्स हमें उन सबको क्या करना है, टोटल करना है, एडिशन करना है। तो हम ऐड करके फाइंड आउट कर लेंगे ना, हम 2 kg में फिर 2 kg ऐड करेंगे, फिर उस 2 kg में भी हम लोग 2 kg ऐड करेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, अगर वो वर्ड्स आपको उस वर्ड प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं तो आप लोग उसमें एडिशन करोगे, और अगर वो वर्ड्स नहीं भी है तो आप लोग क्या करोगे, अपनी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एडिशन के कुछ की वर्ड्स। एडिशन की वर्ड्स, ये जो की वर्ड्स है इनको देखकर आप लोग अपना जो आंसर है वो इजिली राइट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, टोटल, इन ऑल एंड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है। ये हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं। अगर हमारी वर्ड प्रॉब्लम में टोटल आ रहा है तो वो नंबर हमारे क्या है, एडिशन होगा उसके अंदर। अगर हमारे पास में इन ऑल आ रहा है तो भी हम उसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। थर्ड चीज, अगर हमारे पास में ऑल टुगेदर आ रहा है तब भी हम उसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये तो कुछ मैंने यहाँ पे वर्ड्स राइट करवाए हैं, इन वर्ड्स से हमारे पास में क्या हो सकता है, हमें पता चल जाएगा कि हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, एडिशन की है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में राइट कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे हमारी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में, मैं एग्जांपल राइट कर रही हूँ 1, ठीक है। 2 एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको, आपको दोनों ही एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देयर आर 38 बॉयज एंड 27 गर्ल्स इन अ क्लास, इन ए क्लास, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमें, देयर आर 38 बॉयज एंड 27 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 38 बॉयज हैं और 27 गर्ल्स हैं। हमें क्या करना है, हाउ मेनी पीपल्स देयर आर इन अ क्लास, हाउ मेनी पीपल्स
आर देयर इन द क्लास, यानी कि वो जो क्लास है उसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है बॉयज कितने हैं 38 और गर्ल्स कितनी है 27। तो जब भी हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारी उनको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें बोर्ड पे राइट करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में राइट करते जाइए। सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है हमें, बॉयज इन द क्लास, तो बॉयज इज इक्वल्स टू कितने हैं 38 एंड गर्ल्स कितनी है हमारे पास में 27। जो भी चीजें हमें गिवन है वो चीज हम यहाँ पे राइट करेंगे। बॉयज है 38 और गर्ल्स है 27। ओके, अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे टोटल, यहाँ पे पीपल्स लिखा हुआ है तो हम लोग पीपल्स ही राइट करेंगे। यहाँ पे पीपल्स आर इन क्लास कितने हो जाएंगे, जब हम बॉयज और गर्ल्स को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा ना, कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि 38 प्लस 27। जैसे मैं आप ही लोगों से बोलूं कि आपकी क्लास में 38 स्टूडेंट है, ठीक है, सॉरी 38 तो बॉयज है और 27 कितने हैं गर्ल्स है, ठीक है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज, यानी कि गर्ल्स भी उसी क्लास में है और बॉयज भी उसी क्लास में है, तो टोटल स्टूडेंट कैसे बताओगे, उन दोनों को आप ऐड करके तो बताओगे कि इतने स्टूडेंट है और इतनी गर्ल्स है और इतने बॉयज है, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, उन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, इसी तरीके से बताएंगे हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 38 और 27 को ऐड, स्टार्ट करते हैं एडिशन। यहाँ पे 38 प्लस 27, मैं इसको ऊपर राइट कर रही हूँ, मेरे पास नीचे जो स्पेस है उसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको राइट करते जाइए अपनी नोटबुक में, ठीक है। हम यहाँ पर टू प्लेसेस बनाएंगे, वंस और टेंथ, टू नंबर्स का हमारे पास में एडिशन है, तो मैंने आपको टू डिजिट के जो एडिशन है वो सिखाए थे किस तरीके से करते हैं। लार्जर नंबर नहीं है हमारे, सिर्फ एक ही लार्जर नंबर है, तो इसलिए हम लोग दो ही यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्लेसेस 38 प्लस 27, ठीक है, एडिशन करना है हम इसका। तो एडिशन के लिए हम कैसे राइट करेंगे, वंस वाले प्लेस से एडिशन करते जाएंगे, करो एडिशन, 8 प्लस 7 इक्वल टू 15। आप लोग एडिशन करके देखना, मैंने आपको जो एडिशन सिखाया है उससे आप लोग क्या कर लोगे, अपना एडिशन सॉल्व कर लोगे। 8 प्लस 7 इक्वल टू 15, 15 के लिए हम राइट करेंगे 5 और 1 को यहाँ पर कैरी कर लेंगे, ठीक है। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, 6 राइट कर देंगे, इट मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 65 स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम लोग 10x10 ग्रिड से भी एडिशन करके देख सकते हैं, और इस तरीके से तो हमें करना ही है क्वेश्चन। तो आप लोग जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इस तरीके से अपना कंप्लीट आंसर आपको राइट करना है, ठीक है। तो टोटल पीपल्स आर इन क्लास इक्वल टू 65, यानी कि 65 स्टूडेंट है हमारी क्लास के अंदर, ठीक है। ये तो हमारे टू नंबर्स आए हैं एडिशन के। अब अगर हमारे पास में थ्री नंबर्स की कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारी वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्लास सेकेंड ए हैज 28 चिल्ड्रन, सेकेंड बी हैज 33 एंड सेकेंड सी हैज 34, हाउ मेनी
चिल्ड्रंस इन ऑल चिल्ड्रंस इन ऑल देयर आर इन द थ्री सेक्शंस आर देयर इन द थ्री सेक्शंस थ्री सेक्शंस ठीक है। ये चीज हमसे पूछी गई है क्या क्या गिवन है हमें पहले वो देख लेते हैं। हमें क्लास सेकेंड ए में कितने चिल्ड्रंस है 28, सेकेंड बी में है 33 और सेकेंड सी में कितने हैं 34। तो हमसे पूछा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन ऑल देयर आर इन थ्री सेक्शंस, जो हमारे थ्री सेक्शंस हैं उनके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में थ्री सेक्शंस हैं, ठीक है, सेकेंड ए में है आपके पास में बच्चे इतने लाइक 15 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ से या फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को देख लें, 28 बच्चे हमारे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में है हमारे पास में 33 और सेक्शन सी में है हमारे पास में 34 बच्चे। तो आप लोग कैसे बताओगे कि पूरी जो क्लास है सेकेंड यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं तो इन तीनों में कितने बच्चे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड भी आ रहा है इन ऑल, तो मैंने आपको अभी एडिशन के जो कीवर्ड्स बताए थे उसमें इन ऑल था, तो हमारा अगर इन ऑल आ रहा है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में तो हम उसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के लिए, जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या क्या चीजें गिवन है हमें यहाँ पर, सबसे पहले हम राइट करेंगे हमारी जो गिवन सेक्शंस में चिल्ड्रंस है उनको, चिल्ड्रंस इन सेक्शन या फिर हम लोग सेकंड ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकंड ए इक्वल टू 28। दूसरा हम लोग लिख लेंगे चिल्ड्रंस इन सेकेंड बी 33 एंड चिल्ड्रंस इन सेकेंड सी इक्वल टू 34। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे टोटल स्टूडेंट्स या टोटल चिल्ड्रंस आर देयर इन ऑल इन थ्री सेक्शंस इन द थ्री सेक्शंस। और थ्री सेक्शंस में टोटल स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम इन सभी को एड कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर राइट कर देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं बचेगा हमारे पास में। टोटल चिल्ड्रंस आर देयर इन द थ्री सेक्शंस, कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, 28 प्लस 33 प्लस 34 यानी कि इन तीनों सेक्शंस में जो बच्चे हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। तो एडिशन स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा, तो इसके लिए यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ। एडिशन करो, हम लोग यहाँ पर थ्री प्लेसेस बनाएंगे, ठीक है, कितने प्लेसेस, थ्री प्लेसेस, ओके। ऐड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे, 28 प्लस 33 प्लस 34, एडिशन स्टार्ट करो, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 11 प्लस 4 इक्वल टू 15, 15 के लिए हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, 5 और 1 को कैरी कर लेंगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, हमारा आंसर कितना हो गया 95। तो हम लोग इसके इक्वल में लिख देंगे
कितने स्टूडेंट थे टोटल हमारे पास में तीनों क्लासेस में? 95 चिल्ड्रन। कैसे फाइंड किया? हमने हमारे तीनों सेक्शंस में जितने बच्चे थे उन सबको हमने ऐड कर दिया और हमने फाइंड कर लिया कि तीनों सेक्शंस में कितने बच्चे हैं? 95 बच्चे। इस तरीके से आप लोग अपनी जो एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप सभी को ये अच्छा लगा होगा और सभी को इसका जो क्वेश्चन है वो समझ में भी आए होंगे। ठीक है, बाय।